Hey guys, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Oppo Realme के डायनामिक रैम एक्सपेंशन फीचर के बारे में कि आखिर ये फीचर है क्या, कैसे ये काम करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे आप इसको अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं और कब तक ये जो है सभी डिवाइसेस में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रैम एक्चुअल में होता क्या है और कैसे ये डायनामिक रैम एक्सपेंशन का फीचर काम करता है। तो जैसे ही अगर आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो वो पहले रैम में स्टोर हो जाती है, रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है और जब आप दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो रैम से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेती है, जिससे कि उसका एक्सेस टाइम फास्ट हो जाता है और ऐप जल्दी ओपन हो जाती है। साथ ही मल्टीटास्किंग या फिर गेम खेलना है अगर आपको तो उस कामों में भी जो है रैम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि आपको जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना बेनिफिट आपको हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि जो ये डायनामिक रैम एक्सपेंशन फीचर है या आखिर है क्या, तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है डायनामिक रैम एक्सपेंशन यानी कि आपके फ़ोन की जो रैम है वो एक्सपेंड होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो वो कैसे बढ़ती है, तो इस फीचर के थ्रू क्या होता है कि आपके फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है उसका कुछ पार्ट जो है वो आप रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन की जो रैम है वो 4GB की है और अगर आपने इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करके 2GB और उसमें ऐड कर दिए तो आपके फ़ोन की जो रैम है वो 4+2 यानी कि 6GB की हो जाएगी, जिससे कि आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि जितनी ज़्यादा आपके रैम होगी उतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस उसमें बैकग्राउंड में ओपन रह सकती हैं। साथ ही मल्टीटास्किंग में भी जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंक्रीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो एक्चुअल रैम होती है जो कि हार्डवेयर है उसी के तरीके से ये रैम भी काम करेगी क्योंकि एक वर्चुअल रैम है, लेकिन फिर भी आपको इसमें काफ़ी जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिल पाएगा। काफ़ी जो आपकी ओपनिंग स्पीड है प्लस आपकी मल्टीटास्किंग है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। तो ये तो गया इसका फीचर। अब इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर अबाउट फोन वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको रैम जहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा उस पर आप टैप करेंगे तो रैम एक्सपेंशन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आपको 1GB, 2GB, 3GB या फिर 5GB जितना भी आपको उसमें ऑप्शन दिया है और आप उसमें से जितने GB अपने फ़ोन की मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपके फ़ोन की जो मेमोरी है, रैम है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इंटरनल स्टोरेज का कुछ पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब आप बात करें कि इन डिवाइसेस में जो है ये अपडेट मिलने वाला है, तो जिन भी डिवाइसेस में Realme UI 2.2 का अपडेट मिलेगा उन सभी डिवाइसेस में ये अपडेट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ डिवाइसेस में ये ऑलरेडी आ चुका है लेकिन जो भी बचे हुए डिवाइसेस हैं उनमें भी आपको धीरे धीरे करके अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोस्टली डिवाइसेस को अपडेट मिलेगा, कुछ डिवाइसेस जो कि थोड़ी सी पुरानी है हो सकता है उनको ये अपडेट ना मिले क्योंकि अभी तक Realme ने ऑफिशियली इसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो अब अगर बात करें कि कब तक ये अपडेट जो है वो सभी को मिल पाएगा, तो इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक जो है मोस्टली डिवाइसेस को ये अपडेट मिल जाएगा। हो सकता है कुछ डिवाइसेस रह जाए तो उनको जनवरी या फिर फरवरी तक ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।